स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर दहशत फैलाया, दो आरोपी गिरफ्तार। रायपुर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम में मोहन यादव नामक व्यक्ति द्वारा अपने पास रखे कट्टा को दिखाते हुए तथा एक वीडियो में मोहन यादव द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर एक अन्य लड़के के साथ मारपीट करते हुए रोहित यादव नाम के इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो प्रसारित कर दहशत फैलाया जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट गिरीश तिवारी को दोनों आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम द्वारा मोहन यादव एवं शुभम यादव की पतासाजी करते हुए दोनों को पकड़कर एक नग कट्टा व चाकू जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपी मोहन यादव द्वारा कट्टा को उत्तर प्रदेश से लाना बताया गया है। आरोपी मोहन यादव एवं शुभम यादव को गिरफ्तार कर दोनों के विरुद्ध थाना डीडी नगर में आम एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी में मोहन यादव पिता भरत प्रसाद यादव उम्र 18 साल निवासी फूलचौक काली मंदिर के पास जोरेपारा थाना मौदहापारा रायपुर और दूसरा शुभम यादव पिता डैमोचंद यादव उम्र 19 साल निवासी जोरेपारा थाना मौदहापारा रायपुर है।